प्रभारी मंत्री ने 5 साल की चिरंजीवी लाभार्थी बालिका से कराया जनता क्लिनिक का शुभारंभ। पाली में 3 जनता क्लिनिक का समारोह पूर्व लोकार्पण। राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत पाली में स्वीकृत 7 में से 3 जनता क्लिनिक का सोमवार को अंबेडकर भवन ट्रांसपोर्ट नगर में जिले के प्रभारी तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता व कारागार विभाग मंत्री श्री टीकाराम जूली के मुख्य अतिथि एवं जिला कलेक्टर श्री नमित मेहता की उपस्थिति में लोकार्पण हुआ। प्रभारी मंत्री श्री जूली ने ट्रांसपोर्ट नगर, सर्वोदय नगर तथा मानपुरा भाकरी की जनता क्लिनिकों की शुभारंभ, पट्टिकाओं का अनावरण, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की लाभार्थी 5 वर्षीय बालिका प्रियंका से कराया। जनता क्लिनिक शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री श्री टीकाराम जूली ने कहा कि राजस्थान सरकार के संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की ओर से प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लागू की गई योजनाएं न केवल भारत अपितु पूरे एशिया महाद्वीप के लिए मिसाल है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार, 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, निःशुल्क जांच, निःशुल्क दवाइयां, निःशुल्क इंडोर आउटडोर सेवाएं जैसे योजनाएं आमजन को राहत दे रही हैं। श्री जूली ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने प्रदेश में सुशासन को बढ़ावा देने के लिए 19 नए जिले और 3 संभाग बनाए हैं। इसमें पाली को भी संभाग मुख्यालय की सौगात मिली है। इससे हर आम व्यक्ति तक सरकार और प्रशासन की पहुंच बढ़ेगी और लोगों को इसका लाभ मिलेगा। लेकिन ये बिल गरीब के लिए, राजस्थान की जनता के लिए बहुत आवश्यक है, जिसका फायदा उस मरते हुए व्यक्ति को मिलेगा। इमरजेंसी के अंदर कई बार हम हॉस्पिटल लेके जाते हैं, अटेंडेंट नहीं है उसका, पहले डॉक्टर कहते हैं कि इसका पैसा जमा कराओ, उसके बाद इलाज शुरू होगा। अब राजस्थान सरकार आपको गारंटी दे रही है आपके इलाज के पैसे की, कि आप इलाज कीजिए, इसका इमरजेंसी का जो भी भुगतान है वो राजस्थान सरकार करेगी। ऑटो अप्रूवल है, किसी से अप्रूवल कराने की जरूरत नहीं है। बिल लगेगा अपने आप खाते के अंदर।